उस लड़की को अकेले रहना बेहद पसंद था। वो नहीं चाहती थी कि कोई और उसके साथ रहे या कोई भी उसकी जिंदगी में डिस्टर्ब करे। शायद यही वजह थी कि उसने एक ट्रैवल एजेंसी से संपर्क किया और उसे एक सुनसान आइलैंड पर ले जाने को बोला। इस लड़की को अच्छी तरह से पता था कि जहां ये जा रही है वहां वो अकेली होगी, कोई भी उसके साथ नहीं होगा। अगले 19 दिनों के बाद ही ये ट्रैवल एजेंसी उसको लेने आएगी। उसके पास आग जलाने के लिए एक ग्लास था और मछली पकड़ने के लिए एक बंदूक। आपको ये कहानी फिल्म कास्ट अवे से प्रेरित लग रही होगी, लेकिन वहां पर एक मजबूरी थी कि उस व्यक्ति को अकेले एक आइलैंड पर जीना पड़ रहा था। लेकिन यहां पर रिको होरी नाम की लड़की ने ये लाइफ जानबूझकर चुनी थी। ये लड़की एडवेंचर के लिए आइलैंड पर आई थी। लड़की ने आइलैंड पर नारियल के फल तोड़े और मछली मारकर खुद ही पकाए। उसने बताया कि नारियल की पत्तियों के जरिए उसने आग जलाई। उसने कहा कि सिर्फ खुद के ही आइलैंड पर होने की वजह से अकेलापन भी महसूस हुआ, लेकिन साथ ही ये एक्साइटिंग भी था। 19 दिन अकेले रहकर रिको होरी को ये तो समझ आया है कि इंसान के लिए समाज का अस्तित्व बेहद ही जरूरी होता है। हम अगर ये सोचते हैं कि अकेले ही अपने लाइफ जी सकते हैं तो ये एक मुश्किल काम है। कहीं ना कहीं और कभी ना कभी हमें महसूस होने लगता है कि ये अकेलापन हमारी जान भी ले सकता है। बता दें कि जापान की ये लड़की 19 दिनों तक बिना किसी ट्रेनिंग के सुनसान आइलैंड पर रही। ऑस्ट्रेलिया से 6,700 किलोमीटर दूर इंडोनेशिया के आइलैंड अंपारों पर रहने के लिए लड़की के पास सिर्फ एक मैग्नीफाइंग ग्लास और मछली मारने की बंदूक ही थी। यहां आने के लिए ट्रैवल एजेंसी से संपर्क किया जा सकता है। रिको ने यहां 19 दिन बिताए और इसने अकेले मछली पकड़ी, नारियल तोड़ा, उसका पानी पिया और अपने लिए आग भी लगाई। रिको मानती हैं कि ये समय उनकी जिंदगी का सबसे अच्छा समय था। उन्होंने इस 19 दिन में अपनी लाइफ को जी लिया। नेचर के साथ यहां इनका संबंध और मजबूत हो गया था।